हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक ही वाउचर में एंट्री करने के लिए दो यूनिट्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, ठीक है। तो यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में हम ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी हमें जाना है परचेज वाउचर में, तो परचेज वाउचर में F9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से फंक्शन बटन, या फिर यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, तो 566 नंबर का इनवॉइस सप्लायर इनवॉइस नंबर हम दे देते हैं। और 1 अप्रैल 2020 को ये खरीदारी हो रही है। यहाँ पर पार्टी का नेम आ रहा है, तो देखिए परचेज अकाउंट में एंट्री करते समय हमेशा क्रेडिटर पार्टी का लेजर आता है। अगर आपको क्रेडिटर पार्टी का लेजर नहीं बनाना आता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके और वहां पर इसको अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में डालकर और क्रेडिटर पार्टी का लेजर बना सकते हैं। अब यहां पर इसका एड्रेस, तो यहां पे एड्रेस डाल देता हूं मैं कुछ, तो ये क्रेडिटर पार्टी का एड्रेस हो गया। ओके, चाहे तो GSTIN नंबर डाल सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं डाल रहा हूं। परचेज अकाउंट के अंडर में ये आएगा, परचेज अकाउंट का लेजर अंडर परचेज के ग्रुप में बनता है। अब यहां पर बात करेंगे हम आइटम्स की, तो पहले से कई सारे आइटम बने हुए हैं, मैं एक और स्टॉक आइटम बना रहा हूं अल्ट के साथ सी प्रेस करके, और उसमें यूनिट का खेल हम लोग देखेंगे कि कैसे हम उसमें यूनिट भी बनाएंगे। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं हैंड वॉश ले लेता हूं, हैंड वॉश। ओके, तो हैंड वॉश हमने लिया और यहां पे अंडर प्राइमरी में रखेंगे। अब देखिए ये सारी यूनिट्स हमने बना रखी हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम प्राइमरी यूनिट के अलावा एक और यूनिट रखें इसमें, तो हमको यहाँ पे F12 बटन प्रेस करना होगा। और F12 बटन प्रेस करने के बाद कीबोर्ड से नेविगेशन बटन से आप नीचे आ जाइए और यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा यूज अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम्स। यहां पर आपको क्या करना है, इसको यस कर देना है, इसमें आपके नो होगा, ये आप इसको यस कर दीजिएगा, यहां से वाई प्रेस कीजिएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा तो ये यस हो जाएगा। अब यहां पर स्टॉक आइटम बनाना है हमें, सॉरी यूनिट बनाना है, तो यहां अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहां यूनिट बनाएंगे। ओके, तो हमने क्या लिया हुआ है, यहां पर देख सकते हैं हैंड वॉश लिया हुआ है, अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं और यहां पर हम पैक, पैक के नाम से यूनिट बनाते हैं, PKT लिखता हूं मैं और यहां फॉर्मल नेम पैक दे देता हूं। ओके, और इसकी यूनिट पी प्रेस करूंगा तो यहां पैक्स आ जाएगा। ओके, तो यहां पैक्स हमने कर लिया और यहां नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 ही रहेगा क्योंकि हम इसको पैकेट में जो भी है परचेज करेंगे, तो पैकेट में परचेज करेंगे तो आधा पैकेट परचेज नहीं करते या आधा का आधा पैकेट हम परचेज नहीं करते, हम पूरा ही परचेज करते हैं, दैट्स व्हाई यहां 0 रखेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहां अल्टरनेट यूनिट की बारी आई। ओके, तो यहां पे पैक हमने कर लिया है, अब हम आइटम कर सकते हैं। देखिए इसमें आइटम की भी यूनिट बनी हुई है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अल्टरनेट में मैं इसे आइटम दे देता हूं। अब कह रहा है कि आइटम किस हिसाब से देंगे आप, तो 1 पैकेट के हिसाब से, यहां पे 1 आइटम और 1 पैकेट दोनों एक ही कैटेगरी का होगा, मतलब कि 1 पैकेट में 1 आइटम होगा। ओके, और यहां गुड्स रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे इसको। अब यहां पर जैसे ही आएंगे हम तो यहां पर आपको दिख जाएगा क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने 20 पैकेट मंगाया हो, यानी कि 20 पैकेट मंगाने की बात करी जाए तो 20 पैकेट और 20 आइटम दोनों एक ही बात है, तो यहां पे देखिए आइटम और पैकेट दोनों आ रहा है। अब यहां पे देखिए क्वांटिटी आपने 20 मंगाई, लेकिन रेट कितना है, एक का रेट है 70 रुपए प्रति पैकेट, तो 70 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से 1400 रुपए का सामान आपने मंगाया। ओके, अब यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे CGST SGST, अगर सेम स्टेट की बात करें तो CGST SGST लगाना है, और इंट्रा स्टेट की बात करेंगे तो हमें IGST लगाना होगा। तो यहां पे अभी CGST की बात करते हैं, तो यहां देखिए CGST आ गया, पहले से टैक्स रेट हमने सेट कर रखा है। अब यहां पर SGST की बात करेंगे, एंटर प्रेस करता हूं तो ये देखिए CGST और SGST बराबर बराबर रेट में आ गया। यहां पर न्यू रेफरेंस कर देंगे हम, ये मैंने सेट कर रखा है, एंटर प्रेस करेंगे, यहां नरेशन में दे देंगे The goods have been purchased. Okay? तो ये हमने कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे इसको, तो ये हमारा बन गया परचेज का। अब हम चलेंगे सेल्स वाउचर में,
इसी की एंट्री हम सेल्स वाउचर में देखते हैं, ठीक है, तो 555 नंबर का। और यहां पर सेल्स वाउचर में जैसे ही आएंगे हम तो डेटर पार्टी का लेजर आएगा, तो डेटर पार्टी का हमने लेजर बना लिया। अब बात कर लेंगे हम इसमें इंट्रास्टेट की। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, इंटर स्टेट, यानी हम सेम स्टेट की बात कर रहे थे, अब हम इंट्रास्टेट की बात करेंगे। यहां मैं लिखता हूं भोपाल, ठीक है, और ये एमपी की बात है, तो भोपाल जो है एमपी में आता है, तो यहां एम प्रेस करेंगे तो मध्य प्रदेश इसमें शो हो जाएगा, आप इसमें मध्य प्रदेश कर दीजिए, और यहां पर आ जाएगा सेल्स अकाउंट का लेजर। अब जैसे हैंड वॉश हमने किया था, एच प्रेस करते ही हैंड वॉश यहां आ जाएगा, और हम इसको परचेज करने के बाद अब सेल करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पे बात करें, 6 आइटम हम सेल कर रहे हैं, तो यहां पे देख सकते हैं आइटम और पैकेट दोनों आ रहा है। रेट क्या है, 70 रुपए में हमने खरीदा था इसे, 85 रुपए में हम इसे बेच रहे हैं, तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर इंटरेस्ट रेट का मामला है, तो IGST लगाएंगे। अब देखिए यहां पर देखिए IGST लगाएंगे हम, एंटर प्रेस करेंगे, और ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत जाएगा, तो यहां ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर दिया मैंने, और ये GST होगा, ओके, और ये होगा इंटीग्रेटेड टैक्स, तो यहां इंटीग्रेटेड टैक्स को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहां पर राउंडिंग मेथड हम कर देंगे नॉर्मल राउंडिंग, ओके, एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये देखिए 64 रुपए IGST कैलकुलेट होकर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेशन पूरा किया, इसको न्यू रेफरेंस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब तो ये हमारा हो गया पूरा। अब इसको हमको देखना होगा तो डिस्प्ले में जाना होगा, दो बार डी प्रेस कीजिए, डिस्प्ले में आ जाएंगे आप। और अब हमें सेल्स वाउचर की बात करनी है, तो देखिए ये सेल्स वाउचर ये है, और यही हमने परचेज किया था। जब इसको प्रिंट करने की बारी आएगी तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूं IGST के नाम से, IGST, ओके, तो ये पिक्चर में गया हुआ है। अब हम इसको पिक्चर से निकालेंगे और इसका प्रिंट आउट देखेंगे कि इसका कैसा प्रिंट आउट आया हुआ है। तो ये देखिए ये पिक्चर में, और IGST के नाम से था, तो यहां ये देखिए डबल क्लिक किया तो ये हमारा प्रिंट यहां पे दिखाएगा। तो ये देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं आप, आइटम भी लिखा हुआ आ रहा है और पैकेट भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो दो हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।